की जो चौथी अवस्था होती है वो अलग प्रकार से देखने को मिलती है। तो इसके अंदर अलग अलग प्रकार की क्या स्टेज है, जैसे कि अंडा है तो फर्स्ट स्टेज जो इसका लार्वा का प्रक्रिया स्टार्ट होता है, तो उसके अंदर भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये जो लार्वा स्टेजेस होते होते कहाँ पर आता है, प्यूपा पर आता है। और प्यूपा में ये प्रक्रिया करने के बाद ये सीधा फिर जो है उक्त मच्छर यानी कि एडल्ट में जाता है। तो इसी तरह से प्रथम चरण में जैसे अंडा है तो मादा अपने जीवन काल के दौरान जो है हर तीसरे दिन पर क्या करती है, अंडे देने का प्रयत्न करती है। जो अंडों की संख्या 100 से लेकर के 300 तक की होती है और ये अंडे लगभग 24 से 48 घंटे के भीतर जो है वो लार्वा में यानी कि इसके बाद की जो अवस्था है उसमें परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह से दूसरे चरण में बात करें कि लार्वा जो है वो जल्दी से उसकी प्रोसेस करने की प्रक्रिया करता है, जिसके अंदर वो लगभग उसकी लंबाई 5 मिलीमीटर जितने बड़े देखने को मिलते हैं। और ये खास करके जो है जल की सतह पर तैरते रहते हैं। जल की सतह मतलब जो सरफेस होता है पानी का उसके ऊपर। लार्वा के इस चरण के अंदर अधिकतम काल 4 से 14 दिनों का होता है। और तीसरे चरण के अंदर आता है प्यूपा। प्यूपा मतलब इसके बाद की लार्वा के बाद की अवस्था है। और लार्वा की तुलना में ये थोड़ा सा कम सक्रिय होता है और ये चरण लगभग 1.5 से 4 दिनों के बीच का देखने को मिलता है। प्यूपा आंशिक रूप से ककून होता है, ककून नहीं जिससे वो रेशम के कीड़े होते हैं और अपने मुंह को घुमाते हैं ऐसे गोल गोल, तो उसके ऊपर व्हाइट लेयर होता है जो हवा से क्या होता है कि कड़क हो जाता है, तो उसी तरह से अपने उसको ककून बोलते हैं जो व्हाइट होता है। इसी प्रकार से चतुर्थ चरण यानी जो अपने बोलते हैं वयस्क यानी कि एडल्ट। और इस प्रकार से एक बार जब पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो मादा अंडे देना क्या करती है, छोड़ करके उससे अलग हो जाती है। और ये मच्छर की लंबाई लगभग 5 से लेकर के 3 से लेकर के और 6 मिलीमीटर यानी के एमएम जितना होता है। और सभी मच्छरों के शरीर में ये 3 खंड पाए जाते हैं। 3 खंडों में जैसे एक सिर है, वक्ष है और उदर है, जैसे अपना ये सिर है, वक्ष और उदर, इसी तरह से मच्छरों में भी 3 भाग देखने को मिलता है। और मादा मच्छर जीवन का लगभग 6 सप्ताह यानी कि 6 हफ्ते का देखने को मिलता है। इसी तरह से ये तो मच्छरों का क्या हो गया, जीवन चक्र। अब मच्छरों के जीवन चक्र के बाद जब मादा कोई भी मच्छर काटती है तो उससे अलग अलग प्रकार के रोग फैलते हैं। जैसे पहले रोग के नाम की चर्चा अपने करें तो मलेरिया है, तो मलेरिया रोग किस कारण से फैलता है, तो मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग फैलता है। और वो मादा एनाफिलिस मच्छर जो है वो जनरली थोड़ी सी बड़ी होती है और वो जब स्पाइन करती है मतलब जब डंक मारती है स्किन के ऊपर, तो उसके अंदर क्या होता है कि प्लाज्मोडियम प्रजी, ये मादा एनाफिलिस मच्छर है, लेकिन वो मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम जो प्रजीव होता है यानी जो एक प्रकार का जो दिखाई ना देने वाला सूक्ष्म जीव है वो हमारे रक्त कणों के अंदर प्रवेश करता है और जिसके कारण